ये एक क्वेश्चन है एसिडिक का, करके दिखाओ एक बार। जीओसी में एप्लीकेशन चल रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के, तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में इस तरीके से था, है ना। चलिए इसको बताइए, इसका कौन सा आंसर होगा? चलो देखो, इसका कौन सा आंसर होगा? ये कल हम लोग कर रहे थे जीओसी में, कौन बच्चा बता रहा है? अब देखो यहां पे ध्यान दो, अगर हम बात करें कि एक हमारे पास फ्लोरीन है, एक हमारे पास क्लोरीन है, तो इसके केस में सबसे पहले जो जाएगा वो जाएगा वन, उसके बाद जो जाने वाला है फर्स्ट जाएगा हमारे पास वन, सेकंड जाएगा टू, क्योंकि डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है पहले वाले में कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो वन के बाद टू, देन कौन सा जाने वाला है हमारे पास इसमें, और इसमें नया क्या है? नया ये है इसमें कि डिस्टेंस वाइज जो हो रहा है ये पास हो रहा है, तो अब हमारे पास जाएगा फोर एंड जाएगा थ्री, ये आंसर होगा, ठीक है। एसिडिक करेक्टर का किसका? हाँ ये वाला भी बात सही कह रही हो, तो कहने का मतलब कौन सा वाला होगा सबसे पहले बताओ, अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पहले कौन सा होगा? डिस्टेंस वाइज देखो, डिस्टेंस वाइज दूसरे पे ये, और इनमें क्या है तीसरे पे है ये सारे सारे, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। कौन सा होगा सबसे पहले? फोर, और फोर के बाद कौन सा होगा बताओ? फोर्थ के बाद कौन सा होगा? भाई ये तो डिस्टेंस वाइज पास हो गया, फिर तो फर्स्ट ही होने वाला है, फिर कौन सा होगा? सेकंड, फिर कौन सा होगा हमारे पास ये थर्ड का ये फोर्थ लिख रखा है मैंने, ये थर्ड है, सही है। अब मेरे हिसाब से शायद ये समझ में आ गया होगा आपको, सबसे पहले डिस्टेंस वाइज जाना है, तो डिस्टेंस वाइज के बाद क्या जाएंगे हम लोग? नंबर, डीएनपी फॉलो करेंगे, है ना। नंबर में ये दोनों सेम है तो फिर क्या फॉलो करेंगे? पावर, तो पावर हमारे पास किसकी आ जाएगी? फ्लोरिन की ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तब तक एक आध बच्चे आएंगे तब तक देखता हूं क्या हो रहा है इसमें। अब नया बताना है आपको इसमें, वन वन टू थ्री, इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? इसमें हाइड्रोजन के निकलने का ऑर्डर है बेसिकली, तो हाइड्रोजन सबसे पहले किस में से निकलेगा? सबसे पहले हाइड्रोजन किस में से निकलने वाला है बताओ? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें सबसे पहले किस में? अब देखो अगर यहां से जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो दूसरे और पहले में से कौन ज्यादा होगा एसिडिक करेक्टर की अगर हम बात करें तो? भाई ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बन पे है, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हो, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है सी और एच फ्लोरिन, और ये सी ओ एच, ये ऐसे लिखा हुआ है यान। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है हमारे पास? 3.5, ठीक है। अब इसकी कितनी है? 2.1। अब अगर हम लोग यहां देखें तो फ्लोरीन की कितनी है हमारे पास? 4।
जबकि कार्बन की कितनी है 2.5। अब देखो यहां फ्लोरीन पे तो हाइड्रोजन आया नहीं है, फ्लोरीन के बाद जा रहा है ना। डिस्टेंस वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे पहले किसका आएगा यहां पे हमारे पास, फर्स्ट का, तो कौन सा हो गया वन, फिर कौन सा हो जाएगा टू, देन कौन सा हो जाएगा थ्री। हाँ वैसे भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस भी देख सकते हो, और देखो डीएनपी से भी देख सकते हो, यहां पे कार्बन के मतलब फ्लोरीन के डायरेक्ट तो नहीं जा रहा ना। अगर एफ एच होता तो हम किसको देते, बेसिकली प्रायोरिटी इसको देते, है ना, इस तरीके से। गुड मॉर्निंग, अभी आज बच्चे आए नहीं इसका मतलब। चलो खैर दो ही बच्चे हैं। देखो ये हमारे पास हो गया था एसिडिक करेक्टर का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक दो, फिर आगे चल रहे हैं। चलिए बताइए, अब आपको इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगाना है। वन टू थ्री फोर फाइव में एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताइए किसका होगा। आ जाओ, चलो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा एसिडिक करेक्टर, फर्स्ट का होगा, फर्स्ट के बाद किसका होगा, फिर डीएनपी फॉलो करेंगे ना हम लोग, वन टू, है ना, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास वाला कौन सा हो गया हमारे पास, ये रहा वन टू, फिर कौन सा हो जाएगा थ्री आ जाएगा, और क्या होगा फोर और फाइव इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। हम चल रहे थे कल एसिडिक करेक्टर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला। अब आपको बताना है ए बी सी में एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी में एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बताओ कौन बच्चा बता रहा है। ए बी सी में एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कौन सा वाला, अच्छा इसमें वंश का ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे मान लो बी में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, उसको दूसरा वाला दे रहा है और वो फ्री है ना। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही तो कहना चाह रहे हो अब। लेकिन इसके पास बीटा भी है, अगर हम देखें तो अल्फा अल्फा तो कॉमन है, लेकिन बीटा से वो प्रोवाइड कराएगा रिलीजिंग ग्रुप, तो कौन सा वाला हो जाएगा सबसे पहले, ए बी सी होगा मेरे हिसाब से। शायद आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एसिडिक वाले, है ना, एसिडिक वाले आप लोग कर लोगे। अब बेसिक पे चलते हैं, क्योंकि एसिडिक तो कल भी कर रहे थे, है ना, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि रिकैप करते हैं, नहीं तो फिर इसी में रह जाएंगे। एक आध बच्चों को कुछ नए क्वेश्चन भी कराने हैं, और अगर थ्योरी में ज्यादा बच्चे नहीं आए तो मैं सोच रहा हूँ आज और कल और देख रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं केवल क्वेश्चन क्वेश्चन आईआईटी जेई के कराना शुरू कर दूंगा, फिर आईआईटी जेई मेडिकल पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थ्योरी के बच्चे आ जाएं, क्योंकि थ्योरी कुछ बच्चों ने कर नहीं रखी है तो फिर क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो बेसिक करेक्टर पे चलते हैं हम लोग, एसिडिक करेक्टर का हमारा खत्म हो गया, और क्योंकि आपने एसिडिक करेक्टर को बहुत अच्छा कर लिया तो बेसिक उसका अपोजिट होता है, ध्यान रखना। बेसिक करेक्टर, बेसिक नेचर, अब देखो बेसिक नेचर की बात करें हमारे पास तो बेसिक करेक्टर या बेसिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, है ना। इनवर्जली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, माइनस आई माइनस एच माइनस आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, के वी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, है ना, जितनी ज्यादा के वी वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा।
पी के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी के बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है, और बेसिक करेक्टर मतलब कौन सा, आयोनिक नेचर। हाँ इन्वर्सली होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, एस करेक्टर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इतने सारे इतने ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतने से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो, क्योंकि आप लोगों ने एसिडिक करेक्टर पे बहुत अच्छी अप्रोच लगा ली है, इसलिए ये बेसिक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आप लोगों को बनाने। वन टू थ्री, आइए चलो भाई बताओ बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। इसमें बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, वन टू थ्री में बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होने वाला है, थ्री, क्यों, कार्बन ज्यादा है, या आप कहो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी रिंग की ज्यादा होती है इसकी, और कम किसकी होती है इसकी। हाँ ऐसे कर लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये वाला, तो ये वाला होगा, नहीं चलो, हाँ फिर इसमें थोड़ा वॉइस आती है, चलो देखो अब कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। उससे पहले एमीन्स वाले आपको बता दूं, या एक रिंग के क्वेश्चन आया था ना, एक रिंग वाला और दे देता हूं आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन था नीट में, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है आप लोगों को। अब चलिए बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ, इसमें किसका ज्यादा होगा, सब पे लॉन पेयर ही है, तो सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका होने वाला है, थर्ड का, कैसे पता लगा, रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, किसमें ज्यादा है बताओ, थ्री में, तो थ्री सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद बताओ लास्ट वाला कौन सा, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा तो इसी का होगा, प्लस आई इफेक्ट है फिर। हाँ और दूसरा देखो, इसमें आप प्लस आई लगा रहे हो, इसमें क्या लगा रहे हो, माइनस आई, और इसमें कॉमन है जनरल है, और इसमें क्या होगा, माइनस आई, तो आप देखो सेकंड होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब फर्स्ट में और फोर्थ में कैसे डिसाइड करोगे, फर्स्ट में और फोर्थ में कैसे डिसाइड करोगे, फर्स्ट वाला देखो क्या डिस्टेंस वाइज दूर लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस वाइज दूर लग रहा है, और देखो फोर्थ में जो यहां है वो डिस्टेंस वाइज पास लग रहा है, तो बताओ कौन सा होगा फर्स्ट, और वेरी गुड, तो पहले फर्स्ट होगा और फिर फोर होगा, कुछ बात समझ में आई, डिस्टेंस वाइज आपको इसको दूर रखना है माइनस आई को, है ना, माइनस आई को डिस्टेंस वाइज दूर रखना है आपको, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, बैठो बैठो बैठो, हाँ हाँ ये लाइव चल रही है, बैठो। अब देखो एक क्वेश्चन और है एमीन्स का अपने पास, चलो देखो एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास क्वेश्चन है लाइक दिस। चलिए बताइए इसमें बेसिक करेक्टर का ऑर्डर कौन बच्चा बताएगा,
इसमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर कौन बच्चा बताने वाला है, सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड, थर्ड के बाद कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन दो इसका, आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी है या नहीं है? अच्छा ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन कौन सा आयोडाइड है बोलो, एसपी, और ये कौन सा है, वेरी गुड, और ये कौन सा है? और सारे बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, इसका, तो इसका तो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, और हम क्या देख रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होने वाला है, sp3 का। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, 3 2 1, नोट करिएगा 3 2 1। जीओसी करवा रहे थे है ना वो वाला है। अब देखो ये हम जीओसी के एप्लीकेशन चल रहे थे, इसमें बेसिक कैरेक्टर में जनरली आता क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग राम, आप तो आते नहीं हो भैया, ज्यादातर बच्चे आते नहीं है। देखो अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कि बेसिक कैरेक्टर में सबसे पहले आपको और क्या चीजें पूछता है, तो यहां पर एमीन के केस होते हैं, एक होता है प्राइमरी एमीन और एक होता है सेकेंडरी अमीन और एक होता है टर्सरी अमीन और एक होती है अमोनिया। ठीक है, कई बार अमोनिया देता नहीं है, मतलब जो जनरली हमें कंपैरिजन करना है वो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। मान लो मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूं कि ये गैसियस फेज में है, जब स्पेशल लिखा आए कि ये गैसियस फेज में है, तो बताओ इसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, अगर ये गैसियस फेज है उसने लिख करके दे रखा है, तो ध्यान रखना इसमें 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो आप इफेक्ट लगा करके बता सकते हो, तो मतलब गैसियस फेज में इफेक्ट लगते हैं, ध्यान रखना 3 2 1 एंड अमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर दे ना, मान लो गैसियस फेज दे नहीं रखा है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा बोलो, हमें एक्वस मानना पड़ेगा, और एक्वस के लिए फिर आपको आर की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि आर के प्लेस पे क्या दे रखा है। मान लो अगर ये आपको दे नहीं रखा कि गैसियस फेज में नहीं है, तो आपको एक्वस फेज माननी पड़ेगी, और एक्वस फेज में आर के प्लेस पे कुछ ना कुछ लिखेगा, तो आर जैसे मान लो CH3 लिख दिया, तो बताओ क्या होगा? हाँ तो कौन सा आएगा बताओ? वेरी गुड, तो 213 लगाना है आपको, कौन सा लगाना है? 213, 213 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0, 0 मतलब अमोनिया, अमोनिया। नहीं बात समझ में आई? अगर R के प्लेस पर CH3 दे रखा है तो आपको यह बताना है, ठीक है। मान लो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे भी दूं तो हाफ एन आवर तो वैसे ही चला जाएगा, 15 मिनट चली जाएंगी, कोई मतलब नहीं है, फाइनली आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो 213 पहले में ध्यान रखना है। अगर मान लो R के प्लेस पर C2H5 गिवन हो, क्योंकि NCERT बुक में केवल ये 2 दे रखे हैं, अब आपको कौन सा ध्यान रखना है? हाँ 231 वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 2 3 1, और इस अमोनिया को कहां ले जाओगे? लास्ट में ही लाओगे। ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये अमोनिया मतलब अमीन्स के नेचर है, ध्यान रखना। एक और चीज, जब मान लो आपको स्पेशल ये दे रखा है गैस फेज, तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपको, और मान लो गैस फेज ना दे रखी हो तो कौन सा वाला करना है आपको? 231 213, ठीक है। अब CH3, अब कोई बच्चा कहे सर मैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा कि किसमें 213 किसमें 231 लिखना है, तो आप ये बताओ ये ग्रुप छोटा है या ये ग्रुप छोटा है? ऊपर वाला छोटा है। अच्छा 213 छोटा है या 231 छोटा है? 213 छोटा है, ठीक है। तो छोटे में छोटा लगाना है, बड़े में बड़ा लगाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देखो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर डन, बिल्कुल सही है आप लोगों का, बेसिक कैरेक्टर डन, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डन। अब मुझे आप ये बताओ कि हमारी क्या चीज खत्म हो गई, क्या खत्म हो गया? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है।
इसकी सारी क्लास मैंने डाल दी है खुशी, है ना, इस पे। ये 6 वाली क्लास है, आप एक बार और देख लेना। दो ही नहीं? अच्छा, चलो कोई नहीं, एक बार और डाल दूंगा मैं, दोबारा से डाल दूंगा। अच्छा मैं समझ गया, कोई नहीं मैं डालूंगा। अच्छा ये वाली बात हो गई यहां पर, ठीक है। अब देखो कुछ दो क्वेश्चन देता हूं पहले, फिर आगे नया शुरू करता हूं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करूंगा। उससे पहले दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही करता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, वो मैं बता दूंगा। चलो अभी बता ही देता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाला ये लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल बताता हूं। कोई नहीं, ये देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन दे ही देता हूं पूरा, और देखता हूं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है इसका आंसर। चलो भाई इसमें एसिडिक करेक्टर बताना है आप लोगों को, इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बताओ। कौन बच्चा बता रहा है? आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें डीएनपी रूल फॉलो नहीं होता है, इसमें डीएनपी रूल प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या आ जाती है वो बताओ, सबसे पहले एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बताओ जल्दी से। फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद, ये लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट के बाद थर्ड और फिर तो फोर ही बना, यही तो कह रहे हो। अच्छा वो आप अपना बताओ ना, उनको छोड़ो, आप अपना बताओ। टू के बाद बोलो, टू के बाद कौन सा लगा दूं? हाँ अच्छा, और किसी का ऑप्शन है? दो ऑप्शन आ गए, अभी दो और रह गए। नहीं नहीं मैं तो एसिडिक पूछ रहा हूं, बेसिक वाला बताए क्वेश्चन, तो मैं एसिडिक पूछ रहा हूं, बेसिक क्यों बताया? मेरा क्वेश्चन है इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ एसिडिक करेक्टर का। अब देखो इसमें क्या लग रहा है पता है आपको, माइनस आर माइनस आई, और यहां पे लग रहा है माइनस आई माइनस आर, और यहां पे केवल मेटा पोजीशन पे लग रहा है माइनस आई, और ये तो है ही नहीं। और माइनस आर जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होता है, और डिस्टेंस वाइज ये पास पड़ रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हजारों मॉलिक्यूल्स मतलब काफी सारे आपस में बनते जाते हैं बनते जाते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा आ जाएगा, समझ रहे हो ना, माइनस आर ज्यादा आ जाएगा। तो डिस्टेंस वाइज ये भले ही पास पड़ रहा है लेकिन इसकी एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको कौन सी वाली बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किस में ज्यादा इफेक्ट आ गया, तो हमारे पास हो गया टू, फिर हो गया वन, फिर हो गया थ्री, फिर हो गया फोर। ये सही है, कुछ बात समझ में आई नहीं है? इसको याद रखना है, ध्यान रखना, डीएनपी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, रीजन इसमें दूसरा चल रहा है, दूसरा मतलब इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है बेसिकली। मेटा पे कभी माइनस आर नहीं लगता है, केवल कहां पे लगता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता है, ठीक है ना। नहीं अब सही करना है, मेटा पोजीशन पे माइनस आर या माइनस प्लस आर नहीं लगता है, ठीक है ना, केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा जब मैं करा ही रहा हूं तो थोड़ा सा और बता देता हूं, और लिखो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट भी इसी में करा देता हूं, हालांकि मैं चैप्टर कराऊंगा आपको, चैप्टरों में भी बताऊंगा लेकिन दोबारा से बता दूंगा चैप्टरों में, ठीक है। अब देखो ऑर्थो इफेक्ट किसमें पाया जाता है, कौन बच्चा बताएगा ऑर्थो इफेक्ट किसमें पाया जाता है बताओ भाई आप लोग, मैं देख रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट किस किस में पाया जाता है, किस किस मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है ऑर्थो इफेक्ट, बोलो टाइप करो भाई, ऑर्थो इफेक्ट किसमें पाया जाता है। अच्छा मैं सोचता हूं बच्चे नहीं देते आंसर।
और एक और चीज चल रही है ना, जैसे कल मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं चलो मैंने बोल दिया बच्चों को 3 o'clock का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसे ही क्लास लेने आया वैसे ही नेट गायब। मैं उसको फोन किया तब उसने पता नहीं वायर कट गया, क्या कट गया पता नहीं। अच्छा देखो ये बच्चा बता रहा है, रोशनी बता रही है NH2 एंड COH, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो ऑर्थो इफेक्ट पता है किसमें, COH एंड NH2 में पाया जाता है, यानी कि बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन में पाया जाता है, ध्यान रखना। इट इज ऑब्जर्व्ड इन बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन बेंजोइक एसिड, लेकिन ये बेंजीन रिंग पे होने चाहिए ध्यान रखना है ना, ऑर्थो मेटा पैरा तो तभी बोलेंगे ना, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। इन दैट केस एसिडिक करेक्टर विल बी मोर। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो जल्दी से करानी है चीजें, ठीक है। तो अब ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्या देखना है कि जब ये दोनों में से कोई भी ग्रुप आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, बाकी आप इफेक्ट लगाएंगे लेकिन ऑर्थो वाले को पहले प्रायोरिटी पे लोगे, ध्यान रखना। अब इसमें मैं आपसे पूछूं एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या है, और उसी से आंसर हो जाएगा हमारा सॉल्व। बताओ भाई इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या है, ये 1 2 3 हो रखा है नंबरिंग, ऐसे मान लो, बोलो सेकंड, वेरी गुड। तो ऑर्थो पोजीशन ये वाली होती है, और ये कौन सी होती है मेटा, और ये कौन सी होती है पैरा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, ऑर्थो को। अब इफेक्ट लगाओ, यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है बोलो, और यहां पे कौन सा लग रहा है, -I -R, और हम किसको प्रायोरिटी देते हैं पहले, -R किसको देते हैं बेसिकली, तो -R का कौन सा चला गया फिर कौन सा रह गया, फिर कौन सा हो गया, नहीं बस समझ में आई, ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट किसमें लगता है, ऑर्थो इफेक्ट केवल और केवल इन दोनों मॉलिक्यूल्स में लगता है, इसके अलावा तीसरे में नहीं चेक करना है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का केस करा दिया, अब मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का केस दे रहा हूं, हम इसमें दो दो कोई केस जो है ना डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टू फोर थ्री वन बिल्कुल सही है, राम का और रोशनी का दोनों लोगों का सही है। ऐसे ही आप लोग आंसर टाइप करते रहो, मैं देख करके देखता हूं किस बच्चे के बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलो बताओ एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, इसमें आपको एसिड इफेक्ट लगाना सीखो पहले, इफेक्ट लगाना सीख गए आप तुरंत कर दोगे, इफेक्ट नहीं लगा पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बोलो इसमें बताना है आप लोगों को, सबसे पहले सेकंड, बिल्कुल ये तो आंसर वैसे ही हो जाना है दोनों में, सेकंड से ही हो जाएगा क्योंकि और तो इफेक्ट हमें पता है, तो रिलीजिंग ग्रुप भले ही लगा हुआ है लेकिन सेकंड ही जाएगा इसका, फिर कौन सा होगा और बोलो, रोशनी का आंसर है 2 1 3 4, 2 1 3 4, और आप लोगों का बोलो। अच्छा इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ तो, +I, और यहां पे कौन सा लग रहा है, +H +I। अच्छा जब आप लोग पढ़ते हो तो टीचर +R बोल देते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं मैं मान लेता हूँ +R ही मान लेता हूँ, आपके हिसाब से मान लेता हूँ, वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है क्योंकि एल्कीन से जो पहला है वो एल्फा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं +R मान लेता हूं क्योंकि आप जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फिलहाल ये बताओ कि ये जो प्लस है
वो तो बेसिक करेक्टर को फेवर करेगा, ये जो प्लस है वो तो बेसिक करेक्टर को फेवर करेगा, तो आपको न्यूट्रल में जाना है, मतलब ना प्लस हो ही ना, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास पान? अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड कर रहे हो? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट तो इधर की तरफ ज्यादा आएगा, एसिडिक के केस में तो कौन सा आ गया? 3, 4। इसका मतलब रोशनी का भी सही है, बैजनाथ का भी सही है, 2, 4, 2, 1, 3, 4। हाँ, राम का गलत हो गया, 2, 1, 3, 4 आंसर है, ये वाला आंसर है। अच्छा, अब मैं उसमें भी दो केस दे करके देख लेता हूं, ठीक है? वैसे तो आपका यहीं से डिसाइड हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं एनिलिन पे भी चल रहा हूं एक बार। सही है, समझ में आ गया? और तो इफेक्ट देखो, NH2 का केस ले लेते हैं, चलो शुरू हो जाओ। एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है आप लोगों को, इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा होगा? 2C निकाल ले जाओगे इस क्वेश्चन को वैसे तो, अब बताओ कौन सा होगा? और बोलो, 2, 4, और बोल कौन सा? 3, 1। और कौन बच्चा बता रहा है? ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। कोई बच्चा समझ ले कि अच्छा ये लिख दिया कि सर ने, ये मैंने नहीं लिखा है, ये तो स्टूडेंट का है। आप लोग बताओ अपना, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। अच्छा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, एसिडिक बताना है, एसिडिक 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। सारे बच्चे एक जैसे ही बता रहे हैं क्या? तो सबका सही है क्या? अच्छा, ये तो रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग ग्रुप है तो 2 तो मान लेता हूं मैं आपकी बात के, 2 सही है। फिर उसके बाद तो पता है क्या है, 1 आएगा। आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, 2 के बाद तो 1 ही आएगा। बेसिक करेक्टर ढूंढ रहे हैं हम, आप बेसिक ढूंढ रहे हैं एसिडिक? कोई बात नहीं, चलो एसिडिक ढूंढ रहते हैं। एसिडिक पूछा है ना मैंने, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि एसिडिक पूछा है, क्योंकि NH2 को देख करके बेसिक लगाना शुरू कर दिया मैंने, तो पहले तो आ गया ही एसिडिक, अब उसके बाद एसिडिक ढूंढो। बताओ, सबसे ज्यादा तो एसिडिक ये हो ही गया, अब उसके बाद कौन सा होगा? 4, ये भी सही है, उसके बाद 3, यानी कि आप लोगों का सही है। तो ये कौन सा हो गया? एसिडिक। और अगर बेसिक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, फिर 2, 1 नहीं होगा, 1 होगा ना, वो तो 2 पे तो एसिडिक चला गया ना, इसका मतलब सारे बच्चों का सही है भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर है। बेसिक ले जाएंगे तो बेसिक में क्या लाना है हमें? इसका रिवर्स सबसे पहले ही है, और ये तो सबसे लास्ट में जाना है। नहीं, बस समझ में आई? और तो इफेक्ट को ध्यान रखना, और तो इफेक्ट लेकिन काम किस में करता है? एसिडिक में, और दो मॉलिक्यूल्स में, किस में? एनिलीन में, और किस में? हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है? इन दोनों में से विच वन इज द मोर एसिडिक? बोलो, इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा है? अच्छा, आपको पता है OH की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसमें है? बताओ, लक्ष्य किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? अरे, पहला वाला कौन सा आयोडाइशन है? बिल्कुल, बैजनाथ का सही है। देखो, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है देख पा रहे हो आप लोग? SP3 सिंगल बॉन्ड से है, नहीं है? और ये कौन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट डबल बॉन्ड से। तो इसमें कौन सा है? SP2। तो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। नहीं, बात समझ में? अब देखो, एक पॉइंट और सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक, एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक
देन द एरोमेटिक एमीन्स. एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स. ये बेसिक की बात चल रही है यहां पे. तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन कोई एलिफैटिक से आ जाए और एक एरोमेटिक से आ जाए. जैसे अब एक मेरे पास ही है, इसको मान लो पहले वाले को सिक्स कार्बन भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसमें कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? एलिफैटिक वाला, मतलब फर्स्ट वाला. कुछ बात समझ में आई नहीं है? क्यों सेकंड वाला क्यों बेसिक नहीं हुआ? क्योंकि जो इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में चले जाएंगे? कॉन्जुगेशन में. अगर कॉन्जुगेशन में चले गए तो ये क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा यानी किसको फेवर कर गया? एसिडिक को कर गया. नहीं बात समझ में आई? ये आपको ध्यान रखना है. एलिफैटिक एमीन्स, ये गलत लिखा हुआ, क्या लिख दिया मैंने? एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक. तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. मान लो ये हमारे पास एनिलीन है और ये हमारे पास बेंजाइल एमीन है. दिस इज सात कार्बन को हम बेंजाइल बोलते हैं, ध्यान रखना. ये बेंजाइल एमीन है. मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेंजाइल एमीन और एनिलीन में विच वन इज द मोर बेसिक, तो कौन सा वाला लगा के आओगे बताओ? बेंजाइल एमीन. कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? कैसे पता लगा? ये एलिफैटिक है, ध्यान रखना. ये एलिफैटिक है और ये कैसा है? एरोमेटिक. नहीं बात समझ में आई? तो ये ज्यादा बेसिक होंगे, ध्यान रखना. एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक. अब मैं एक क्वेश्चन बेसिक का पूछ रहा हूं आप लोगों से, ध्यान रखना. पहले यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये एसिडिक है ये बेसिक है. तो बेसिक का बताना है आप लोगों को. इसमें बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ. 1, 2, 3, 4 में बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताइए. सबसे पहले कौन सा होगा? अच्छा, फिर कौन सा होगा? थर्ड होगा. फिर कौन सा होगा? सेकंड होगा बेसिक करेक्टर. फिर फर्स्ट. अच्छा, और कोई नया और कोई बताने वाला है? बेसिक करेक्टर का ऑर्डर पूछा है मैंने. इसमें बेसिक का ऑर्डर क्या होगा बताओ? बेसिक का ऑर्डर बताओ भाई. सबसे ज्यादा बेसिक, अच्छा बिल्कुल सही कहा है आपने, राम ने बताया. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. तो 4 तो बिल्कुल सही है आपका, मैच कर गया. अब 3 भी कर गया, बिल्कुल सही है. लेकिन 2 एंड 1. अच्छा, तो बेसिक बताना है. बेसिक एसिडिक नहीं बताना है, अब बेसिक बताना है, ध्यान रखना. तो रोशनी का आंसर बिल्कुल सही है. रोशनी बता रही है 4, 3, 1, 2. तो डोनेटिंग है या रिलीजिंग है? ऑर्थो पोजिशन पर लगा हुआ है, ये एसिडिक हो गया. यही तो आपको ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट लग गया. आपको मैं क्या समझा रहा हूं बहुत देर से, वो तो सही है. मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत सारे, नहीं तो एक तो अंदर से मन कर रहा है जल्दी चलो जल्दी बच्चों को कराओ, क्योंकि अभी तो मैं ये रेगुलर चला रहा हूं. देखो ना क्या लिखा हुआ है, आप समझ नहीं रहे हो, लिखा करो इन पॉइंटों को. क्या लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोई सा भी आया हुआ है, उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है. फर्क किस बात से पड़ रहा है? कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है. ये नहीं कि सब में ही लगा दो उसे, किसी में भी लिया लगा दो सब में. सब में नहीं लगेगा, दो में लगेगा. कौन कौन से में लगेगा? बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन में. और यहां पे क्या लिखा हुआ है? चाहे रिलीजिंग लगा हुआ है चाहे विथड्रॉइंग, सब पे ध्यान रखना. ऑर्थो पोजिशन पे एसिडिक करेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा. तो आप देखो ना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये दिमाग में चल रहा था कि एक आध और करा ही दें क्वेश्चन. अब देखो, तो ये जो है इसका आंसर, पहले तो इसको हटा देता हूं ताकि कोई बच्चा गलत ना कर ले इनको. अब बताओ कौन सा आंसर सही है.
तो फोर तो पहले ही सही था, है ना? फोर तो पहला ही होगा, ये तो सही है आपका। फोर के बाद कौन सा होने वाला है? थ्री और वन और टू। अब बिल्कुल सही हो। टू पता है कौन सा हो गया? एसिडिक। तो टू तो आपको सबसे लास्ट में ले जाना है। अच्छा, इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो ना, तो वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि दो के बारे में पता है आपको, इन दो के बारे में पता है, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। अगर दो में कोई बच्चा फंस भी जाए कि ये लगाऊं ये लगाऊं, उसके लिए भी बता रहा हूं मैं कि ये दोनों तो पता ही है उसको। ये क्या हो गया? एलिफेटिक एमीन्स। और ये क्या हो गई? ऑर्थो पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन वाला तो सबसे लास्ट में जाना है, और ये वाला एलिफेटिक एमीन्स सबसे पहले आना है। तो दोनों से हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे तो आप परफेक्ट हो ही गए हो, अब इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको बनाना है। अब इनसे नए क्वेश्चन देता हूं। अब आपका हो गया खत्म। एक अपना कौन सा हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसका ध्यान रखना है। और दूसरा वाला कौन सा हो गया हमारा? ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, करके दिखाओ कौन सा आंसर होगा इसका। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? अब ये अलग है इससे। अब ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने जीओसी तो कह रहे हैं कि हमने कर रखी है, नए क्वेश्चन कराओ हमें, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट What will be the major product in reaction between propene with bromine? Propene with bromine water. Bromine in water. तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ कौन सा आंसर सही है इसका। हाँ जी भाई साहब बताओ। रोशनी बताओ। अच्छा अलमस ने बताया, अरे वेरी गुड अलमस, अब समझ में आ गए और तो इफेक्ट वगैरह। बताओ बताओ आप लोग बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। फिर नेट चला गया, मुझे लग रहा नेट बड़ा जा रहा है इसमें। हाँ जी फर्स्ट आंसर दे रहे हैं बच्चे, और बताओ कौन बच्चा बताएगा फर्स्ट है। हाँ जी शिखा का है टू, और बताओ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अब देखो पहले क्या होता है, आपको थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म समझनी चाहिए कि कैसे ये बनता होगा। अल्मस का फर्स्ट आंसर है। अच्छा देखो प्रोपीन ये है हमारे पास, देखना 1 2 3 यही तो प्रोपीन है। अब प्रोपीन के बारे में क्या कह रहा है? ब्रोमीन इन वाटर। तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन करवा रहा है यहां पे? ब्रोमीन को के साथ किसकी रिएक्शन कर रहा है? तो पहले किसकी रिएक्शन हो रही है यहां पे? ब्रोमीन की। ब्रोमीन की हो रही है ना, आपको पता है ब्रोमीन ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ब्रोमीन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। अब ट्रांजिशन स्टेट में कैसे जाएगा देखो ध्यान से सुनो, ब्रोमीन
ऐसे करके गया तो यहां पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव, ये अगर टूटा तो कार्बोकेटन यहां आ गया। अच्छा ब्रोमीन के साथ क्या होता है, ब्रोमीन की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ध्यान रखना इस तरीके से। ब्रोमीन का एक होता है पार्शियली नेगेटिव, एक होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो कौन सा वाला इस पे अटैक करने वाला है, इस पे अटैक करने वाला है ये वाला पॉजिटिव वाला, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव वाला कर गया अटैक इस पे, तो इसको बोलते हैं थ्री ये ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो इस तरीके से किया, यहां पे CH2, यहां पे था CH पॉजिटिव वाला आपका, और ये हमारे पास इस तरीके से थोड़ा सा इसको मैं और ऐसे समझाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये ऐसे है तो हमने क्या किया, ऐसे किया नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव वाले से क्या हो रहा है बताओ, पॉजिटिव वाले को तो ऐसे ही छोड़ दो, इससे क्या लग गया हमारे पास ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो है ना एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ध्यान रखना साइक्लिक कैसे, यहां पे लगा ब्रोमीन, यहां पे लगा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है इस तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और इसमें बनता है पॉजिटिव। मतलब ब्रोमीन हमने यहां पे कौन सा ले रखा है पॉजिटिव। अब देखो कार्बन कितने हमारे पास, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और इससे क्या मिथाइल है CH3। अब रिंग का क्लोजिंग हो गई है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। अब रिंग की ओपनिंग होगी, अब रिंग ओपनिंग कैसे होगी, अब रिंग ओपनिंग होगी कि इसमें 2 डिग्री दिखना चाहिए ना भाई, ये तो 2 मिनट के लिए हट जाएगा ना अब क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है। अब जब रिंग की ओपनिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे ही तो करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे कितना डिग्री दिखना चाहिए हमें, 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब देखो क्या हुआ हमारे पास, ये यहां हुआ ये इस तरीके से, और 1 1 2 3, और 3 पे क्या लग गया हमारे पास ब्रोमीन, क्योंकि ये तो ओपनिंग हो गई, और यहां क्या लगा हुआ है प्लस, और यहां क्या है न्यूक्लियोफाइल, और ये लॉन पेयर इससे अटैक करेंगे। मतलब आपको पता है ये H2O में कौन सा वाला पार्ट अटैक करने वाला है, OH वाला अटैक करने वाला है। तो जब OH वाला अटैक करेगा तो क्या हो गया हमारे पास CH3 CHOH CH2 BR, कौन सा वाला आंसर आ गया, थर्ड वाला आंसर आ गया, आंसर विल बी थर्ड। किसी भी बच्चे का सही नहीं है आंसर यही तो नया है, यही तो ऑर्गेनिक है, इसीलिए तो मैं इसको लेकर के कर रहा हूं, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं है चाहते, वो सोचते हैं चलो हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, जो सोचोगे उल्टा ही आंसर आ जाएगा। नहीं अब तो समझ में आ गए, मैं तो आपको क्वेश्चन समझा ही रहा हूं कि आज वहां से लिया या NCERT बुक से, उससे CBSE से क्वेश्चन है। अब इसमें गलती क्या करते हैं कि ये ना बीच में नहीं बनाते, इसलिए अब वो डग्गे मारी से कर देते हैं तो क्वेश्चन भी उसी तरीके का हो जाता है सब रॉन्ग हो गए। हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें कभी कभार हो जाती हैं। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं मैं आपको, ये नया क्वेश्चन मिल गया, अब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। देखो यहां रॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, कोई बच्चा ये ना सोचे कि मेरे क्वेश्चन यहां रॉन्ग हो रहे हैं तो फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ यही क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिनका रॉन्ग हुआ है वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता वहां पे, और जिसने किया ही नहीं है उसका कोई पता नहीं है। तो जितना आप गलत कर सकते हो यहां पे कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, ध्यान रखना। गलत क्वेश्चन जरूर आपको याद रहते हैं, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप गया कि अच्छा ये वहां गलत हुआ था, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बार 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 प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन करो। तो ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बायो की क्लास होनी है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टर्मिनेशन स्टेप,
तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी मैं आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं है, नहीं तो 10 करा देता। उधर वो जीओसी भी चल रही है आपकी, ये एचबीआर सेकंड। चलो बताओ कौन सा आंसर है इसका। चलिए बताइए कौन सा आंसर है इसका, कौन सा आंसर होगा, बोलो बोलो भाई। देवेश, और कौन बच्चा बताएगा, बताओ भाई, आपको तो पता होना चाहिए, तो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। अच्छा हिंट दे दूं क्या, हिंट देना है। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो कोई ए टू ए है, टू ए से मान लो कुछ हमने एच न्यू किया, तो यहाँ पे टू ए लेकिन रेडिकल में आ गया, तो उसको स्टेप को बोलते हैं हम इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन तीन स्टेप होती हैं, इनिशिएशन प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, समझ रहे हो ना। तो कौन सा आंसर होगा बताओ, तो सेकंड आंसर होगा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, तो जब जुड़ गए तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन हो जाना। पहली स्टेप कौन सी है बोलो, प्रोपेगेशन, दूसरी टर्मिनेशन, तीसरी प्रोपेगेशन, चौथी इनिशिएशन। सही है, ये आपको ध्यान रखना है। एक थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपके, आप लोगों का। चलो देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एसिड हैज लोएस्ट पी के ए वैल्यू। विच एसिड हैज लोएस्ट पी के ए वैल्यू, चलो भाई सब लक्ष्य बताओ कौन सा आंसर है इसका। चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्री क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, थर्ड वाला चल रहा है बेसिकली, तो बताओ कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होने वाला है, ये बताओ। अच्छा लोएस्ट पीके का मतलब क्या है, लोएस्ट पीके का मतलब क्या है, मोस्ट एसिडिक, मतलब देख रहे हो क्वेश्चन देखने लिखने का तरीका। लोएस्ट पीके मतलब मोर पीके वैल्यू, भाई लोएस्ट पीके ए मतलब ज्यादा के वैल्यू, और के वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिक करेक्टर ज्यादा। तो अब किसका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, अभी हमने एसिडिक बेसिक सब किए, तो बताओ कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एसिडिक ही होगा, एसिडिक पूछ रहा है, तो एसिडिक सबसे पहले कौन सा होने वाला है। अब मैं ऑर्डर पहले बताओ कौन सा आंसर है आपके हिसाब से, बताओ बताओ। अब तो आप बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाना, वो हो गई है आपकी, 1 2। और बताओ, अच्छा आप ये बताओ, यहां यहां हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो है, पता है कितने का डिफरेंस है, इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 2.1, यहां नाइट्रोजन की होती है 3 और इसकी होती है 2.1, तो इनमें देखने पे पता लग रहा है इसका एसिडिक ज्यादा है। ठीक है, अब सेम केस ही आए, और आपको पता है कल मैं एक रूल सिखा रहा था आपको, रूल नंबर सेकंड क्या था आपको याद आया, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव, फिर क्या देखते हैं न्यूट्रल, फिर क्या देखते हैं नेगेटिव, यही तो चलता है। तो सेकंड लॉ के हिसाब से पहले हमें देखने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले में भी मोर एसिडिक कौन सा हो गया,
मोर एसिडिक सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? थर्ड वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो वही चल रहा है ना यहां पे, तो सबसे पहले कौन सा हो गया? थर्ड वाला। और थर्ड के बाद कौन सा हो गया? वेरी गुड, फोर वाला। थर्ड के बाद हो गया फोर्थ वाला। और इन दोनों में एसिडिक कौन सा ज्यादा है? वन, वन वाला है। और उसके बाद कौन सा हो गया? टू। दोबारा से समझो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक क्या है कि जैसे मान लो ये तो न्यूट्रल हो गए दोनों, इनको तो आपको बाद में देखना है, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को देखना है। और पॉजिटिव में भी मोर पॉजिटिव कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस वाइज? ये वाला थर्ड। तो थर्ड, फोर, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, ये आंसर है। हां तो देखो ये आंसर होगा। खैर कोई नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, हमने तीन क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो कोवलेंट होगा, हमें यहां पे क्या देखना है बेसिकली? आयोनिक। तो जल्दी से तो चलो देखो, ये हमारा एप्लीकेशन खत्म हो गया, इंडक्टिव खत्म हो गया, आपको कल कराएंगे हाइपर कंजुगेशन।